हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनाज किचन। आज हम बनाएंगे बचे हुए चावलों से साउथ इंडियन डिश लेमन राइस। ये फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे कैसे बनाते हैं। राइस बनाने के लिए यहाँ पर हम 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे। मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने, इसे गर्म होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ पर सरसों डाल देंगे, लाल मिर्च डाल देंगे, 4 लाल मिर्च ली है मैंने, और ये मैंने 2 चम्मच चना दाल ली है, और 2 चम्मच यहाँ पर उड़द दाल ली है। फ्राई करेंगे इसे। मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च ली हैं, इन्हें डाल देंगे। अब हम यहाँ पर करी पत्ता डाल देंगे, अब हम यहाँ पर मूंगफली ऐड करेंगे और इसे भी फ्राई करेंगे। मूंगफली मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ली है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी मूंगफली अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने 1 छोटा गाजर लिया है और 2 फ्रेंच बीन ली हैं, उन्हें बारीक कट करके ले लिया है, ये ऑप्शनल है। इसे भी फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम राइस ले लेंगे। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, टर्मरिक पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने राइस को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे, 2 लेमन का जूस लिया है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लेमन जूस डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं चलाना है, क्योंकि लेमन जूस गर्म होने पर कड़वा हो जाता है, इसलिए फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। ये देखिए ऑन कर था। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बचे हुए चावलों से कितने अच्छे लेमन राइस बनाए हैं। तो चलिए इन्हें सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे लेमन राइस बनकर तैयार है। हमने इसे लेमन और ग्रीन चिली से गार्निश कर दिया है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी साउथ इंडियन डिश है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे लेमन राइस की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।